हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आप जानते हो कि हम अपने चैनल के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग नहीं करते हैं, बल्कि मैं उस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करता हूं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में एक डिटेल रिव्यू शेयर करता हूं। तो आज हमारे पास है कूल बेस बर्ड्स, जो कि कूल पैड ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं और 1200 रुपए की प्राइस सेगमेंट पे वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी इसे मैंने खुद से परचेज किया है, जिसका मतलब है कि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू तो देखने को मिलेगा ही, साथ 1200 रुपए के प्राइस बजट पर ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करता है जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में बाकी ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलते। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगर आप 1200 रुपए के प्राइस बजट पर एक सस्ते ईयरबड्स लेने का प्लान कर रहे हो। अब मैं इन ईयरबड्स को पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं, तो ओवरऑल मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग के साथ में। तो बॉक्स काफी सिंपल सा है, फ्रंट में कूल पैड की ब्रांडिंग है, पीछे की तरफ कुछ की हाइलाइटेड फीचर है। बॉक्स एसेसरीज की बात करें तो आपको मिलता है एक चार्जिंग केस, टाइप सी केबल, वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग केस की, तो आपको कैप्सूल शेप में एक इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन यहाँ पर ऑफर किया गया है, जो बाहर से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। ऊपर से आपको मैट फिनिशिंग भी दिया गया है, तो डे टू डे यूजेस में आपको स्क्रैचेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और ये जो चार्जिंग केस है बहुत ही लाइट वेट है। चार्जिंग के लिए पीछे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इनसाइड द केस लेफ्ट और राइट साइड में आपको ईयरबड्स का जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और सेंट्रल में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ये पहला ऐसा TWS है जहां पर आपको डिजिटल नोटिफिकेशन का जो पैनल है वो ऑफर किया गया है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इससे आप केस और बर्ड्स की जो बैटरी परसेंटेज है उसको किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। इवन मैं जो MI के ईयरबड्स यूज कर रहा हूं, जो लगभग 4000 रुपए के प्राइस बजट पर आते हैं, यहां पर भी मुझे बैटरी परसेंटेज चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलता। मतलब यहां पर जो व्हाइट लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो येलो लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे बैटरी परसेंटेज का पता करना पड़ता है। बट कूल पैड के इन ईयरबड्स में आप बैटरी परसेंटेज को कभी भी चेक कर सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे यहां पर लगा। अगर बात करें ईयरबड्स की तो काफी कंफर्ट डिजाइन के साथ में आते हैं, एक डॉल्फिन बेस डिजाइन यहां पर दिया गया है, साथ में LED नोटिफिकेशन मिलता है। ऊपर की तरफ आपको कूल पैड की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि बेसिकली एक बटन का काम भी करती है, तो यहां पर आपको टच कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअली आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा। बाकी ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, 40 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो बच्चे हों या फिर बड़े, आपके कानों में ये बहुत ही आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इवन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको कोई रबर टिप्स देखने को नहीं मिलते, डायरेक्टली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इन्हें लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा। लेकिन जो रबर टिप्स वाले ईयरबड्स आते हैं वो आपके ईयर होल को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो एक तो आपको आउटसाइड का कुछ भी सुनाई नहीं देता, ऊपर से कुछ टाइम अगर आप उनको यूज करोगे तो आपके कान में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कुछ टाइम बाद इरिटेट हो जाएंगे, तो वो इशू यहां पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली ब्लूटूथ को इनेबल करना है, फिर आपको किसी भी सिंगल बर्ड्स को निकाल के कुछ सेकंड्स के लिए बटन को प्रेस करना है, ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। सेम टाइम पर आपको अपने मोबाइल के अंदर जाके डिवाइस को सर्च करना है, सर्च करने पर आपको इनका नाम दिख जाएगा, कूल बेस बर्ड्स, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पेयर करना है और आपके ये ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे कनेक्ट करने पर और डिसकनेक्ट करने पर आपको यहाँ पर एक वॉइस भी सुनाई देती है, तो उससे भी आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो। तो वन टाइम का प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइम जैसे आप केस को ओपन करते हैं, बर्ड्स को निकालते हैं, तो कुछ सेकंड्स में ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अगर बात करें चार्जिंग की तो बाकी ईयरबड्स की तरह इन ईयरबड्स को भी आपको सही पोस्चर के अंदर इसे केस के अंदर रखना है और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही फुल चार्ज होंगे अपने आप चार्ज होना बंद हो जाएंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ब्लू लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो। उसके अलावा बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो काफ़ी हैंडी फीचर है। बाकी केस के अंदर आपको 400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिससे आप इन ईयरबड्स को 3 से 4 बार बड़े ही आराम से चार्ज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो ईयरबड्स है वहाँ पर आपको 40 mAh की बैटरी दी गई है। ये जो चार्जिंग केस है एक मैग्नेट केस है, तो बर्ड्स को निकालते टाइम या फिर रखते टाइम आपको नीचे गिरने का डर भी नहीं रहता है। बात करें अगर कुछ अदर फीचर्स की, तो सिंगल प्रेस करने से आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं, इसके अलावा कॉल को आंसर कर सकते हैं।
लेफ्ट ईयरबड्स में अगर आप बटन को डबल प्रेस करते हैं तो आपको गूगल असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है। अगर आप राइट के अंदर डबल प्रेस करते हैं तो आप बेसिकली अपने नंबर को रीडायल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फीचर्स की, अब आते हैं मेन चीज के ऊपर जिनमें सबसे पहले आता है साउंड क्वालिटी। इन ईयरबड्स में जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही गजब का है, मतलब 1200 रुपए के प्राइस बजट में आप इन्हें बेस्ट TWS बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस प्राइस बजट में आपको 13mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं जिससे आपको इन ईयरबड्स में जो बेस का लेवल है वो डेफिनेट फील हो जाएगा। साउंड काफी लाउड है, क्लियर है, इवन बेस और ट्रबल को काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो अगर आप एक म्यूजिक लवर हो या फिर एक बेस लवर हो तो ट्रस्ट मी गाइस, इन ईयरबड्स के साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का रहने वाला है। मेरे पास MI के ईयरबड्स भी है जिसे मैंने 4000 रुपए में खरीदा है और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी मिलता है ठीक वैसा ही साउंड क्वालिटी आपको इन ईयरबड्स के साथ में देखने को मिलता है। 100% वॉल्यूम पर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका बैटरी बैकअप। तो गाइस यहाँ पर आपको 400mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिससे आपको कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। मतलब सिंगल चार्ज में आप अपने ईयरबड्स को 3 से 4 बार आराम से चार्ज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इन ईयरबड्स को फुल चार्ज करने के बाद कंटिन्यूसली यूज किया है, कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पर सॉन्ग सुने हैं, तो 3 से 4 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज है कि ये जो TWS है ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। मतलब 15 मिनट में अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो आपको 3.5 घंटे का जो प्ले टाइम है वो आराम से मिल जाएगा। तो बैटरी को लेकर भी यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और 1200 रुपए के प्राइस बजट में और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मैं जो 4000 रुपए के मी के ईयरबड्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। मतलब 3-3.5 घंटे का बैटरी बैकअप होता है, उसके बाद में ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो 1200 रुपए में अगर आपको इस तरह की चीज देखने को मिल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा ये जो ईयरबड्स है ये इनबिल्ट माइक के साथ में आते हैं तो कॉल के टाइम भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडोर कंडीशन में काफी अच्छी तरीके से आप कॉल ले सकते हो। हाँ, आउटडोर के अंदर आपको थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो शोर शराबे वाले इलाके में डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इश्यू फेस करना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल कॉलिंग भी काफी डिसेंट हो जाती है इन ईयरबड्स के साथ में। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करने के पर्पज से इन ईयरबड्स को लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें बिल्कुल भी परचेज मत करना, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्राइवर यूज नहीं किया गया तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ आपको काफी ज्यादा लेटेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें IP रेटिंग की तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी IP रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। मतलब वाटर और डस्ट असिस्टेंस का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इस चीज का आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। बाकी पहनने में ईयरबड्स काफी कंफर्ट है, लाइट वेट है, आपको लॉन्ग टर्म यूजर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लंबे टाइम तक इन्हें आराम से अपने कानों के अंदर पहन सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बेसिकली ईयर टिप्स के साथ में जो भी ईयरबड्स होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इश्यू देखने को मिल सकता है। इससे पहले हमने बोट के जो 441 एयरडॉप्स हैं उनका रिव्यू किया था जो कि इससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस के ऊपर आते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें से और जो कूल पैड है इनमें से कौन सा मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद आया तो मैं डेफिनेटली इसके साथ में जाऊँगा। कम प्राइस में आपको काफ़ी बड़ा धमाका देखने को मिलता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है और जो बोट की जो साउंड क्वालिटी है उससे फार बेटर साउंड क्वालिटी आपको कूल बर्ड्स के साथ में देखने को मिलती है। और सिर्फ साउंड क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पर जो कॉल क्वालिटी है वो भी इससे फार बेटर देखने को मिलती है। तो अगर आप 1200 रुपए के प्राइस बजट में एक सस्ता TWS लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कूल बेस बर्ड्स के साथ में जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। और अगर आप इन ईयरबड्स में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर से चेकआउट करना और हो सके तो परचेज भी कर लेना। बाकी कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी और क्वेरी है जो मैंने यहाँ पर मिस कर दी है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी काफी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग में आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।